प्रतीक भाई, हाँ जी, कोई भी प्रधानमंत्री होता तो क्या ये सम्मेलन नहीं होता? और नंबर एक बात, यूएन में अच्छा कोई भी प्रधानमंत्री होता आप ऐसे ही चिल्लाते? नहीं, नहीं। अजय भाई यार, अच्छा तो ऐसा करो को जब तलवार लाया करो तो एकदम पहनी करके लाया करो। नहीं हम तो आप ऐसा जवाब पूछोगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तब भी आप ऐसा ही विरोध करते क्या? हाँ जी, अच्छा ये तरीका आपका, लखनऊ के तो नहीं हो आप, लखनऊ के तो नहीं हो, साल से आपका आशीर्वाद। अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी ने यूएन में भेजा था कि नहीं? अपोजिशन लीडर थे। हाँ तो भेजा था, तो ये तो परंपरा है हमारे देश की, इन्होंने किसी को बुलाया? हम भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम तो चाह रहे थे कि बलिया का सत्य हम ऋषि सुनक को दें। हिंदू है बेचारा, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कहां मौका दिया इन्होंने? सुनिए ना, हम चाह रहे थे कोई भी पक्ष, नहीं नहीं सुनिए, वो बिल्कुल अगर हमारे संस्कृति का कोई व्यक्ति इतने बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष है तो हमारा दायित्व बनता है कि अपनी संस्कृति से उसको जोड़े। बिल्कुल जोड़ेंगे और गर्व से जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने मौका छीन लिया हमसे। ठीक जी, विकास को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए, G20 हो रहा है पहले उसको अप्रिसिएट करो। हिंदू मुस्लिम नहीं जी, मैं आ रहा हूँ, मैंने इनको कहा मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी देखिए, G20 मुझे लगता है जो लोग नहीं समझते उनको समझने की जरूरत है कि G20 की अहमियत क्या है, और G20 की आज मेजबानी भारत कर रहा है इसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में आपने बताया, IMF का एक रिस्पेक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूटर भारत है, रिकॉर्ड तोड़ भारत ने एक्सपोर्ट किया है, GST एक सक्सेसफुल हो रहा है, UPI दूसरे देशों में इंप्लीमेंट हो रहा है आज। लेकिन आप देखिए देखिए मैं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों पे आऊंगा जी। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि कितने करोड़ हमारे देश के लोग गरीबी रेखा से जो नीचे थे वो ऊपर आए हैं, तो ये सारी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ होती है। लेकिन भाई साहब ने बात की कि चाइना नहीं आया, तो चाइना क्यों नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए, 2008 में एक सीक्रेट डील साइन करके आए थे। आप बड़ी खुशी मनाते हैं कि चाइना क्यों नहीं आया, चाइना तो जेलस है, चाइना अरे भाई झूला आप खिलाते, पहले ये बता दीजिए 2008 के डील को पब्लिक कर दीजिए, देश हित में सीक्रेट डील साइन करते हैं, चाइना को जमीन आप देते हैं, चाइना को सेलिब्रेट आप करते हैं। अरे भाई झूला तो आप झुलाएंगे प्रधानमंत्री, झूला आप झुलाओगे, हाथ बांध के आप खड़े होगे और खाना छोड़ के आप जाओगे और सवाल हमसे पूछोगे चाइना पे। चाइना के साथ डील जो 2008 में साइन करके आएगा उसी से तो पूछेंगे, और किससे पूछेंगे? अगर मैंने साइन की होगी तो मैं बताती, आप देश से हर चीज मांगते हैं, आप जवाब दीजिए। गजब है भाई, ये मौका, रस्म, रिवाज, दस्तूर क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, आप सवाल जरूर पूछिए, लेकिन मैं तो किसी और मूड में। क्या कह रहे थे आप जरा मुझे बताइए, क्या कह रहे? सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी। मैंने फिर पीछे कर दिया था, जितनी ऊपर बहस पहुंची थी सब नीचे, कोई आगे नहीं। ना 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 ना, लड़ाई झगड़ा क्या होता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विनम्रता के साथ बातचीत होती है, और जब अनिल बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूं, ये तर्क के साथ आते हैं, बात रखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब ये BJP के प्रवक्ता उसको तर्क के साथ ही काटते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है। मैंने पूछा नहीं होता क्यों नहीं, उन्होंने बताया। जी भैया क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह। प्रभाकर जी क्या काम करते हैं? सर यही बैंक में। बैंक में, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो इस समय तो काम वाम सब खत्म करा है, मैं आ रहा हूँ। रुको, हाँ यस सर, काम खत्म हो गया जी। अब आप पूछिए सवाल, आप पूछना चाह रहे थे। सर सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप वाहवाही लूटने का टाइम आता है हाँ। तो मोदी जी उनके कार्यकर्ता अपने आप को आगे कर देते हैं, लेकिन जब कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो कांग्रेस जिम्मेदार हो जाती है, जैसे अभी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, या नेहरू जिम्मेदार हो जाते हैं, मगर जब सवाल की बात आती है, जब कुछ पूछा जाता है तो उसके बाद सरेंडर कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं कि जी नेहरू जिम्मेदार है, 70 साल जिम्मेदार है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं 9 साल से। सिंह साहब आप कोई युवक है, नवयुवक है और सवाल पूछता है, और मैंने कहा कि सवाल पूछा जाना चाहिए। भाभी जी परेशान मत होइए, ये हमारी पीढ़ी है अगली, और जो अगली पीढ़ी है उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। सवाल पूछा है इसने, और इसका सवाल का जवाब जरूर आना। तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है जो
हाँ जी बोलो सर, जो अभी G20 सम्मेलन हो रहा है इसमें एक अंदाजा जो आया है, रुको, हमारा देश इसमें 4100 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है, जबकि इससे पहले जो G70 जो 17वां प्रोग्राम हुआ था उसमें जर्मनी ने केवल इसे 600 करोड़ में निपटा दिया था, तो इतने पैसे का अव्यय क्यों हो रहा है इस पे? अव्यय शब्द का इस्तेमाल किया है एंड विल बी आंसर्ड बाय बीजेपी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जोड़ लेता हूँ भैया क्या। हाँ, नाम आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तो जी मेरठ का। अरे अरे हाँ जी, बीजेपी का गढ़ कहते हैं उसे। हाँ। लेकिन मुझे एक सिंपल सीधी सी एक बात बता दो, G20 के चक्कर में हमारे देश को इतना सजाया जा रहा है। हाँ। ठीक है, सिर्फ किस लिए? दिखाने के लिए कि हमारे देश में इतनी अच्छी सुंदरता है। अरे आप सबसे पहले अपने अपने देश की सड़कें तो उनके गड्ढे तो भर लो भाई पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भाई गड्ढे नहीं भरोगे तो आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है बारिश में, वो गड्ढों में सड़क गाड़ी अपनी चलाने से ना बचेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से लड़ाई झगड़ा जी, अरे आराम से बाबू जी, पहले मौका देना चाहिए बच्चे को, उसके बाद देना चाहिए पिताजी को और फिर बाबा। सर मैं भी मेरठ से हूँ, मेरा नाम सावन कनौजिया है। ये जो विपक्षी बोल रहे हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन विपक्षी जो ये बोल रहे हैं, क्यों नहीं बुलाया खड़गे को? भैया देखो, जब शादी होती है ना तो फूफा नाराज होता ही है, तो फूफा नाराज हो रहा है, अब कौन मनाएगा कौन दुलाएगा इस समय? क्या फूफा तक बात आ गई, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक जी बहुत सारे प्रश्न है, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, मेरठ से आते हैं, जरा इनसे पूछिए कि आज से 4 साल पहले मेरठ से कितने देर में दिल्ली आते थे? 3 घंटे, 1 घंटे में मेरठ पहुंचते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, और उस हमारे युवा ने, सर जवाब देने दीजिए, हमारे उस युवा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, युवा ने अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं सर। अरे अरे भाई, अब मैं ठीक है, मेरठ से हैं आप? मेरठ से हैं भाई आप? अरे आ रहा हूं। जवाब सवाल, इन्होंने बहुत अच्छा, प्रतीक भैया आप शो करते हैं ठीक है, आपको भली भांति पता है कि कब माइक किधर ले जाना है, कहां ले जाना है, बैलेंस करना आप अच्छे से जानते हैं। उसी प्रकार आपने कहा 9 साल में और चीजों की बात क्यों नहीं हो रही, यही 9 साल में भारत ने देखा कि कितनी भी महामारी आ जाए देश आज 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा, इसी महामारी में देखा कि कितनी भी महामारी आ जाए सेना मजबूत हुआ, इसी महामारी में देखा कि महिलाओं को मजबूती दी गई है, तो हमने बहुत काम किया। और इन्होंने पैसा की बात कही कि वहां पे 600 करोड़ में हुआ, वहां पे 500 करोड़ में हुआ। सर मैं निगेटिव बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मैं आपको जवाब के तौर पर दे रहा हूं, इसे निगेटिव मत लेना। इस देश में पुराने इतिहास पे ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाते हैं तो विपक्ष कहता है सब प्रधानमंत्री को सम्मान मत दो, केवल गांधी परिवार। इसलिए चीजें नहीं हो सकी जो अब हो रही है, इसलिए पैसे खर्चे हो रहे हैं क्योंकि जो इतने साल से गड्ढे नहीं भरे थे वो अब आ रहा हूं। जब बात का नंबर है, दूसरी बात ये, बेटा मैं आ रहा हूं।